सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस फार्मिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का अपने हाईटेक किसान परिवार पर स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों सबसे पहले एक सूचना जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, आप लोगों के बड़े क्वेरीज आ रहे हैं फिश फार्मिंग की बुक को लेकर, तो आप लोग बुक को लेकर बिल्कुल घबराएं ना, बुक हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन आप जान रहे हैं इस समय कोरोना का एक ऐसा माहौल चला हुआ है, सारे सिस्टम लॉकडाउन हो चुके हैं, कहीं भी कोई वर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम आप लोगों की बुक अभी तक आप लोगों को नहीं भेज पाए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत जल्द जैसे ही इस समस्या से निजात हम लोगों को मिलेगी, आप लोगों का एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, आप लोगों की बुक आपको भेज दी जाएंगी। बिल्कुल ही इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए कि बुक आपको नहीं मिलेगी, बुक आपका मिलेगा, आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगी। ये समस्या जैसे ही सॉर्ट आउट होती है, लॉकडाउन की समस्या से हम जैसे आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अभी आप लोगों के बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं सर कि फीड नहीं मिल पा रहा है, फीड को लेकर हम क्या करें। कोई बात नहीं है दोस्तों, नहीं फीड मिल पा रहा है, आप घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए। आप जिनको हमने पहले बुक भेजा है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि हम पेज नंबर 7 पर हमने इसको बताया है कि आप कैटफिश का भोजन कैसे बना सकते हैं, और उस भोजन को आप बना लें, उसमें आप 20% सरसों की खली, 20% राइस ब्राउन, 25% गेहूं का आटा या चोकर, 10% गुड़, 4% फिश मील या ऑर्बन मील आपको मिलेगा नहीं, हम समझ रहे हैं, आप मक्के का आटा 20% या सोयाबीन का आटा 25%, ये मिला के, क्योंकि कैट फिशेज मोस्टली जो है बायोफ्लॉक टैंक में हम लोग पालते हैं, तो उसमें हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हाई प्रोटीन के लिए आप मक्के का आटा और सोयाबीन का आटा मिला लें, वो उनकी ज़रूरत को पूरा कर देगा। और इसका बढ़िया से एक मिश्रण तैयार कर लें, लोई टाइप का, आप जैसे आटा गूंथते हैं इसका बना लें, और एक पोटली में करके आप टैंक में लटका दें, उसमें छोटे छोटे छिद्र कर दें, मछलियाँ उससे उसको खा लेंगी और जीवित रहेंगी, ग्रोथ भी होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप लोगों को फीड नहीं मिल पाता है, आप इसको कर सकते हैं, एक्सेस मत डालिएगा, उतना ही डालिए जितना उनका डोज है बॉडी वेट के हिसाब से, वो बचना नहीं चाहिए, कहने का मतलब है नहीं, क्योंकि आप लोग, मैं देखता हूँ फीडिंग का क्या है, आप लोग 6 लाख 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप लोग कल्चर कर रहे हो, और आप लोग 5 मिनट अपनी मछलियों को नहीं देते हो। कई लोगों का भी मैंने देखा है, आज ही फ़ोन आया था, फीड डाल दे रहे हैं 400 ग्राम 500 ग्राम टैंक में, भाई डाल के हट जा रहे हैं, पानी में फीड आपका तैर रहा है, भाई उतना ही फीडिंग कराइए जितना मछलियाँ खा लें, ठीक है। बॉडी वेट का कोई साइंस नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है कि 3% देना है 4% देना है तो 3% और 4% ही दें। अगर मछलियों का स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है, मछलियाँ एक्टिव हैं, स्वस्थ हैं, आपके पैरामीटर सही हैं, तो वो फीड उठाएंगी, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो 1% भी बॉडी वेट का फीड नहीं लेंगी। तो आप ये सोच के ना चलें कि वो 5%, आप पहले 10 मिनट समय दें, फीड कराते हुए आप स्वयं उसको फीडिंग कराएं, जितनी देर वो प्यार से फीड खाएं उतनी देर उनको खिलाएं, जब वो फीडिंग खाना बंद कर दें आप फीड डालना बंद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फीड डाल दिया और फीड आपके टैंक में सब रन कर रहा है 1 घंटे 2 घंटे, जब फीड ऐसा करेंगे तो वो स्लज में कन्वर्ट हो जाएगा, उस फीड की कोई उपयोगिता नहीं रह गई, वो 1 घंटे बाद फीड समझ लीजिए डेड हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप लोग। इससे आपके पानी का रंग भी नीला हो जा रहा है, नीचे एल्गी जमा हो जा रही टैंक में, तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप, बचें, आप थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा जागरूक बने, आप बायोफ्लॉक कल्चर थोड़ा सेंसिटिव कल्चर है, पाउंड कल्चर नहीं है कि आपने कुछ भी फेंक दिया और मिट्टी उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत केयर करके काम करना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, तभी आप इस बायोफ्लॉक कल्चर में सफल हो पाएंगे, आपका व्यवसाय सफल हो पाएगा, आपका उद्देश्य सफल हो पाएगा। बायोफ्लॉक कल्चर में लोग, मैं देख रहा हूँ अधिकतर लोग वाटर एक्सचेंज पॉलिसी को अडॉप्ट करके कल्चर कर रहे हैं,
तो फिर बायोफ्लॉक मत करिए भाई। अगर आप वाटर एक्सचेंज करके बायोफ्लॉक कर रहे हैं तो फिर वो बायोफ्लॉक रहा कहाँ, उसका बायोफ्लॉक का कोई मतलब नहीं। बायोफ्लॉक बना ही इसीलिए था कि नो वाटर एक्सचेंज और आपका जो FCR है उसको कम करने के लिए, यही दो उद्देश्य ही है बायोफ्लॉक करने का। अगर आपका फ्लॉक आपके पैरामीटर आपसे नहीं संभल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मिसमैनेजमेंट है, फिर वो बायोफ्लॉक नहीं रहा। तो बायोफ्लॉक करना है तो प्रॉपर आप केयर करके फ्लॉक कैलकुलेटिंग सिस्टम को एडॉप्ट करके फ्लॉक बना के फ्लॉक की उपयोगिता को बढ़ाकर मछलियों को उसको भोजन में कन्वर्ट करके, तभी तो आपका FCR कम आएगा, तभी तो बायोफ्लॉक रहा वो। अदरवाइज अगर आपको फीड ही कराना है, वाटर एक्सचेंज ही करना है, तो फिर बायोफ्लॉक कहाँ रहा भाई, कोई मतलब नहीं है। सिस्टम से काम करिए आप लोग, और ये मत सोचिए कि हम ज़्यादा फीड खिला दे रहे हैं तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। आप लोग फीड खिला रहे हैं, ड्रॉपसी की डिजीज प्रॉब्लम आ रही है, पेट फूलने की समस्याएं अक्सर मेरे को आप लोग भेजते हो फिर व्हाट्सएप पर, आप लोगों को देखता हूँ, समझ कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा खुद जागरूक बनिए। देखिए ये कोई ट्रेनर आप लोगों को कल्चर करना नहीं सिखा सकता है ना, और इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा खुद भी समझने की कोशिश करिए। मछलियों की भाषा तो वो नहीं बोलती हैं, लेकिन उनका बिहेवियर समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए। देखिए हम लोग एक खेती करते हैं, उसमें जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें पानी की कब ज़रूरत है, इसमें खाद बीज की कब ज़रूरत है। तो आप थोड़े दिन आप उनके साथ समय बिताइए, वो खुद बताएंगे उनको क्या ज़रूरत है ना। और साथ ही साथ जो है आप लोग अगर थोड़ा ध्यान दे के कल्चर करेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी। अब आपने ओवर फीडिंग करा दी, अब आप ओवर फीडिंग करा रहे हैं, आपके टैंक में स्लज बन रहा है, एलगी बन रहा है, पानी नीला हो रहा है, फिर उसको आप ड्रेन कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, नहीं है ये बायोफ्लॉक नहीं। इस ऐसे करने से आपका आर्थिक नुकसान भी होगा, आपका बायोफ्लॉक का सिस्टम भी फ्लॉप ही रहेगा। तो बचिए आप लोग, जागरूक बन के अच्छे से करिए। अगर आप लोगों को अपने कल्चर में कोई भी समस्या आए, कभी भी आए, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप बिना संकोच अपनी समस्याएं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरे पास ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने हमसे ट्रेनिंग लिया है कि नहीं लिया है, तो ये आप बिल्कुल ना घबराएं या संकोच में आप लोग रहें कि हम तिवारी जी से कैसे पूछें। बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपको उस समस्या से निजात दिलाएं ना। बहुत ज़्यादा ज्ञान तो हमको नहीं है मछली पालन का, लेकिन लगभग 8 से 10 सालों का एक्सपीरियंस है मछली पालन का हमें। अगर आपकी समस्याएं आती हैं, अगर मेरे पास उसका सलूशन नहीं है, तो मैं प्रयास करता हूं कि उन समस्याओं को अपने साइंटिस्टों से बात करके, अपने और भी ज्ञानी दोस्त जो हैं जो फिश फार्मिंग में हैं, अपने यूट्यूबर मित्रों से डिस्कशन करके, उसका ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल तो होगा, वो निकाल के आपको बताया जाएगा ना। तो आप निसंकोच आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, हम उस पर आपको सॉर्ट आउट, आपकी समस्या का सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। और किताब को लेकर जो था कि आप लोगों की बड़ी क्वेरीज आ रहे हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल किताब से निश्चिंत रहिए, किताब आप लोगों को भेज दिया जाएगा। किताब आप देख रहे हैं हमारे हाथ में है, हमारे पास उपलब्ध है, और लेकिन किसी कारणवश क्या, आप लोग जान ही रहे होंगे कि कारण क्या है। कारण है ये कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस का असर ये है दोस्तों कि आज मैं अपने फार्म हाउस पर हूँ, आपको पीछे आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी जो कि हमारे रिंग ब्लोअर की आवाज़ है, और इसलिए वो चल रहा है, आपको आवाज़ सा की आ रही होगी। तो अभी मैं फार्म हाउस पर ही हूँ इस लगभग 3 दिनों से, इसी बीच अपने मछलियों से मिलने का भी सौभाग्य मिला, नहीं तो ज़्यादातर तो व्यस्त कार्यक्रम ही रहता था, बाहर ही रहते थे। एक भाई हमारे हैं, यही हमारे फार्म हाउस को ज़्यादातर देखते हैं, इन्हीं के भरोसे ये फॉर्म चलता भी है। लेकिन चलिए इसी बहाने अपने घर में हैं, अपने परिवार के बीच हैं, समय दे रहे हैं। आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग इस भयंकर महामारी से बचें, इस
समय अपने परिवार के साथ रहें। ये था दोस्तों आज का हमारा विषय जिस पर हमने आप लोगों को बताया है, और आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपकी हेल्प होगी, आपका भला होगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग किसी भी विषय पर चाहते हैं वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, या आप कोई अपना क्वेश्चन जिस पर आपको जवाब चाहते हैं तो हम जैसे कि हर संडे को आस्क मी सीरीज़ लेकर आते हैं उसमें आप लोगों के जवाब देने का प्रयास करते हैं, उस पर आपके सवालों को हम ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द आपसे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।